ना पहुंचा पुलिस और करेंगे क्या? तो दादा क्या ये मैम क्या ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा? ये प्रोटेस्ट रहेगा कंटिन्यू, ये प्रोटेस्ट रहेगा क्या? But I must tell you one thing. Please remember, today it's not only a political party. As an opposition, as the highest opposition in West Bengal, not only us, the common people has woken up. You have seen the 14th night's gathering. You have seen how many lakhs and lakhs and lakhs and lakhs of women have joined. So those are the voices of West Bengal. Lot of people came, even people from TMC came. TMC থেকে লোক আসছে, TMC লোকেরাও লোক আসছে, আমি দেখেছি শান্তভাবে চুপ করে থেকেছে। देखिए 14 तारीख को जो हुआ है वो लोग अपने से अच्छे से प्लान करके कोशिश किया था समझाने के लिए कि ये आंदोलनकारी लोगों ने किया है। हालांकि आंदोलनकारी लोगों ने किया नहीं है, कुछ लोगों ने वहाँ पे वीडियो कर लिया है, अच्छे से दिख रहा है कि 15-20 मुख शक्ल दिख रहा है, जो शक्ल वहाँ के लोकल गुंडे ही होंगे, वो टीम करके आए फटाफट। मैं आपको एक सीधी बात बताती हूँ, आप किसी चले जाइए इतने बड़ा सा बिल्डिंग में तोड़फोड़ करने के लिए, अगर आपके पास किसी ने प्लानिंग करके ट्रेनिंग करके आपका पूरा चार्ट नहीं दे दिया, आपको कैसे पता चलेगा कहां से कहां जाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज के अंदर? कैसे पता चलेगा आपको? आपको किसी ने ब्लूप्रिंट दिया और फटाफट 25-30 मिनट के अंदर ये काम निपटाने के लिए कहा गया, पूरा ब्लूप्रिंट के साथ ये लोग गए तोड़फोड़ करने के लिए, किसने तैयार किया? तो वो पिछले जो कुछ दिन उनके अंडर में था पुलिस, तो वो पुलिस प्रिंसिपल का भी कोई बयान नहीं लिया, वो पुलिस 150 इतना सारा सीमन के बाद भी बोलता है कि वो एक आदमी का है, एक आदमी ने उतनी बुरी तरह से मारा, उसका फोटो देखा मैंने, पब्लिश नहीं कर सकती हूँ, उसका फोटो देखा मैंने, एक आदमी ने इतना लंगड़ा से पतला सा आदमी ने उसको मार के टांग के इतनी बुरी तरह से रेप करके इतना बुरा हालत कर दिया, एक आदमी ने किया इतना सीमन एक आदमी का? सारे लोगों का टेस्ट क्यों नहीं कराया? अंकुश श्रीवास्तव सर, सवाल यही है जो जी न्यूज ने भी पहले उठाए थे कि वहां पर अब सीबीआई अगर चाहेगी सबूतों को तलाशना तो 14 तारीख की रात को जिस तरीके से अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, सीसीटीवी तोड़ा गया, वहां पर डीवीआर हटा दिया गया, सर्वर रूम में तोड़फोड़ की गई, कोई सबूत तब बचा होगा सीबीआई के लिए? देखिए ये पूरा हमला सुनियोजित है, पूरी तरीके से सोच विचार के किया गया है, और अभी जो रूपा गांगुली कह रही थी बिल्कुल वही तरीके से कि एक रेप एक बच्ची के साथ में एक डॉक्टर के साथ में होता है, और रेप के बाद में जो जो चीजें दिख रही हैं नजर आ रही हैं, कहते उठाया गया, टांगा गया, लटकाया गया और फिर उसके पहले रेप किया गया, तो ये एक आदमी का काम नहीं है, ये लगभग पक्का है। दूसरा, जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है तो उसमें बहुत साफ लग रहा है कि वो वहां पर एक एक सबूत खत्म करने की, बिल्कुल सही बात है कि भीड़ को आखिर कैसे पता था कि वहां पर सर्वर रूम कहाँ है, डीवीआर कहाँ पर रखा हुआ है, वहां पर भीड़ पहुंचती है, दाखिल होती है, सब कुछ वहां पर नष्ट कर देती है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी अब भगवान श्री राम को लेकर अपशब्द कह रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी की ओर से सीबीआई जांच के आदेश नहीं देने को लेकर के भी सवाल उठाए। ममता बनर्जी कहती है मां मानुष और माटी बंगाल, लेकिन ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूर हो गई है, मां माटी मानुष को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। सीबीआई को केस रिकमेंड करने के लिए उन्हें सिर्फ 70 सेकंड चाहिए थे, यानी कागज पर दस्तखत करना, उसमें तो कह रही थी 7 दिन का समय चाहिए, और यानी ये कह रही थी साक्ष्यों को देखने में 7 दिन का समय चाहिए। अब ये कहना मुझे लगता है
कि यह सिर्फ उनकी खिसियाहट नहीं बल्कि शरारत का। नीरज राय जी, अब भी आप मानेंगे कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की साजिश नहीं थी? रूपा गांगुली को आपने सुना? देखिए, रूपा गांगुली को मैं सुना और आज से नहीं सुन रहा हूं, भाजपा को 2016 से मैं देख रहा हूं। अजी सभी गिरिराज सिंह राम की बात कर रहे थे, कालनेमी भी राम का नाम लिया करते थे और कालनेमी को भी राम ने दिखाया और इस चुनाव में भी भाजपा ने देखा। अब बात यहाँ पर यह होती है, रूपा गांगुली जो बोल रही है, जांच चल रही है, सीबीआई के दायरे में है। रूपा गांगुली एक महिला है, महिला होकर भी उनको नहीं समझ में आ रहा है कि तत्काल इस दरिंदे को फांसी देने की मांग करती। मैं अब भी वही कह रहा हूँ प्रत्युष भाई कि अगर लाइन ऑर्डर सही नहीं है बंगाल का तो तत्काल इस पे प्रभाव से गिरिराज सिंह हो या सुधांशु त्रिवेदी हो सरकार को बर्खास्त करने और पूरे नियंत्रण में लेने की बात करें। बात यहां बंगाल की अस्मिता और बंगाल तो मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार को बर्खास्त करके एक सेकंड नीरज राय जी, आप कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से बंगाल सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए वहां? आप ये कहना चाह रहे हैं? लगाइए आप बार बार धीरेंद्र जी, क्यों बार बार लगा धीरेंद्र जी, बार बार आरोप लगा धीरेंद्र जी, जवाब ये कह रहे हैं कि किस बात का इंतजार हो रहा है? किस बात का है? 2016 से चल रहा है। अब सुनिए धैर्य से, ये जिस तरह से 356 की मांग कर रहे हैं बिल्कुल इनका मांग जायज है। मैं भी सरकार से मांग करता हूँ कि वहां पे कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अरे भैया, दूर जाना प्यास से मरना धीरेंद्र जी, पहले बंगाल के कानून व्यवस्था में जाइए, बाद में बिहार का कानून व्यवस्था देख लीजिए ना। बैठ के यहाँ पे राग लगा रहे हैं, मणिपुर में कितनी बार आप रोना रोए थे, मणिपुर में कितनी बार इस्तीफा मांगे थे आप? अरे अभी जिंदा महिलाओं को गार दिया गया था मध्य प्रदेश में, कितनी बार आप रोना रोए थे बताइए ना। दूर जाइए, अपने घर को सुरक्षित करिए, पहले बिहार को सुरक्षित करिए, सरकार में आप है महाराज। चुप रहेंगे कि नहीं आप चुप रहेंगे आप सरकार में? अरे चुप कराएंगे आप इसके अलावा कर क्या सकते हैं? चुप कराने के अलावा अगर जेन्युइन बात उठेगी तो चुप नहीं कराएंगे आप भाई। मैं भी मांग करता हूँ, आप बिहार को देख लीजिए ना, आपको तो बैठना ही नहीं चाहिए डिबेट में, आपको तो बैठना ही नहीं चाहिए, पहले बिहार को बात कर लेते महाराज, तब बंगाल में जाते हैं। अपने घर में गंदगी रखे हुए हैं, दूसरे घर को साफ सुथरा बनाए जा रहे हैं। प्रत्युष जी को शांत कराइए। बोलिए बोलिए धीरेन्द्र जी, आवाज आ रही है आपकी? जब ये अच्छा नहीं तो पहले बिहार को सही कराए, अभी संजय नाम का ही किया है ना, बच्ची के साथ पांच लोग पहुंचे हैं, बच्ची के साथ ऐसी दुर्गति की है, ये बिहार की सरकार में है, बिहार में सत्ता में बैठे हुए हैं और पहुंच जा रहे हैं बंगाल में, गजब हाल है। बोलिए मध्य प्रदेश में दो महिलाओं को मारा जा रहा था जिंदा, अरे महिला के नाम पे गोलीकर चलने वाला काम कर रहे हो आप लोग। अरे बंगाल के लिए 2016 से लेके 2016 प्रधानमंत्री जी ताली बजा बजा के संदेश खाली पे चर्चा वोट मांग रहे हैं। नेता धीरंजन चौधरी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। सारे हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके की तोड़फोड़ की गई, मुझे लगता है ये एक सुनियोजित तरीके से पुलिस की उपस्थिति और पुलिस की मदद से किए गए होंगे। मकसद ये था कहीं अगर कोई साबुत कहीं अगर कोई सबूत रह जाए जिसमें जांच पड़ताल में तफ्तीश में कोई सुविधा हो सके, ये सारे सबूतों की सारे सुरागों की नामों निशान मिटा दिया जाए। और इसलिए आपस में खेल किए गए, उधर से ये पत्थर मारते हैं, इधर से पुलिस पत्थर मारते हैं, उधर से गुंडे पत्थर मारते हैं, लेकिन वो पत्थर किसी के न बदन छूते हैं या किसी के चोट पहुंचाते हैं, लेकिन पत्थरबाजी होती है। ये आपस में खेल खेला गया, सबने हमने देखा है। ममता बनर्जी, आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन जिस दरिंदों ने अस्पताल के अंदर प्रवेश करते हुए ये तोड़फोड़ अत्याचार और खासकर महिला की हॉस्टल में तोड़फोड़ किए गए थे, हमला किए गए थे, ये सारे की तस्वीर, ये सारे की पहचान सोशल मीडिया पे उभर कर आ रहे हैं। सोशल मीडिया बारीकी से हर गुंडों की नाम पहचान, कौन सा पार्टी के कौन सा पद में है, सबको बारीकी से उन्होंने व्याख्यान दिए चुके हैं। लगता है और पुलिस वालों की कोई जरूरत नहीं है,
अगर पुलिस वालों की भी मदद चाहिए, ये सोशल मीडिया की जो तस्वीरें पेश किए गए हैं, जो आम आदमी की जिम्मे में अभी है, आम आदमी की मोबाइल पर भी है, वो थोड़ा देखने का कष्ट करे और खुद खुद बखुद पता कर ले कि कौन सा व्यक्ति थे ये दरिंदों ने। राम बाम बाम राम तो अलग बात है। आप खुद बौखलाए हुए हैं, जवाब आपको जुबान से नहीं निकालते हैं, इसलिए आम लोगों को गुमराह करने के लिए, धकोस लेने के लिए, आम लोगों को धकोसला कैसे किया जाए, गुमराह कैसे किया जाए, किस फिराक में आप गए। जिन दरिंदों ने इस तरीके की निष्ठुर घटना को अंजाम दिए थे, उन लोगों को विपक्ष आपकी जुबान से कोई बात नहीं निकालते। आप सारे घटना को आम लोगों के सामने घुमा फिरा के तोड़ के मोड़ के आप पेश करना चाहते हैं, क्योंकि आम लोगों की निगाहों में आप और आपकी पार्टी निर्दोष साबित हो सकता है, यही आपका मनसा है। इसके इसमें राम और बाम की कोई मतलब नहीं है। अगर राम करे ये लक्ष्मण करे, ये राम करे ये रहीम करे, किसी को बख्शाने के लिए किसी ने आपको नहीं कुछ किए हैं। दोषी को गिरफ्तार करो, दोषी को पकड़ाओ और सख्त सख्त सजा दिया जाए, न्याय दिलाया जाए।